हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कद भाजपा में बढ़ता ही जा रहा है। शायद दूरदर्शी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पहले से मालूम थी, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने विशाल हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ का नाम आगे कर दिया था। चूंकि भाजपा में आरएसएस के आगे किसी की चलती नहीं है, इसलिए मजबूरी में मोदी को भी योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन मोदी की दूरदृष्टि सही साबित होते हुए दिख रही है। योगी आदित्यनाथ का कद भाजपा में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और वो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। दरअसल यूपी में अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान जब उनके एक समर्थक ने पूछा कि वो मोदी को हटाकर खुद 2024 का प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उन्होंने समर्थक को बोला कि मोदी जी को अभी जितना उड़ना है उड़ने दो, मेरे रास्ते में अगर वो बाधा बने तो उनको भी आडवाणी की तरह किनारे लगा दूंगा। इसके तुरंत बाद उनके भक्त योगी योगी के नारे लगाने लगे, जिससे उनकी आगे की बात शोर में दब गई और वो गुस्सा होकर सम्मेलन छोड़कर चले गए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।